हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम व्हाइल लूप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली व्हाइल लूप फॉर लूप के सिमिलर होता है, बस डिफरेंस होता है सिंटेक्स का। यदि आप व्हाइल लूप लिखोगे तो आपको लाइन ऑफ कोड ज़्यादा लिखने होंगे, यदि आप फॉर लूप का यूज करोगे तो लाइन ऑफ कोड थोड़े से कम लिखने होंगे। तो ये इसका सिंटेक्स है। यहाँ पर हमें व्हाइल कीवर्ड लिखना होता है एंड यहाँ पर हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। ये जब तक हमारा कंडीशन ट्रू होता है ये ब्लॉक ऑफ कोड रन होता है। जैसे ही हमारा कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होता है ये लूप से बाहर चला जाता है, ये कोड रन होना बंद हो जाता है। चलिए एग्जांपल के थ्रू इसको देख लेते हैं। तो ये पहले वाला एग्जांपल है जो हमने फॉर लूप के लिए यूज किया था। चलिए हम यहाँ पे व्हाइल लूप के लिए सबसे पहले अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा जिसको हम इनिशियलाइजेशन भी बोल सकते हैं। तो एक वेरिएबल बना लिया हमने आई नाम का एंड इसकी वैल्यू मैंने दे दी 1। इसमें भी हम टू का टेबल रिपीट करेंगे। टू का टेबल हम कैसे लिखते हैं व्हाइल लूप के थ्रू वो देख लेते हैं। सिंपली यहाँ पे हमें व्हाइल कीवर्ड लिखना है एंड यहाँ पे हमें कंडीशन अप्लाई करना है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो इसके अंदर जो भी मैं कोड लिखूँगा वो कितने टाइम चलना चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो मैं अप्लाई कर देता हूँ कि ये ब्लॉक ऑफ कोड तब तक चलो जब तक कि आई की वैल्यू जो है लेस देन हो 11 से। ओके, इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो कोड है ब्लॉक ऑफ कोड ये तब तक चलेगा जब तक आई की वैल्यू 11 से छोटी है। जैसे ही ये आई की वैल्यू 11 होगी ये कोड जो है यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। ये चूँकि 11 जो है 11 से छोटा नहीं होता, इक्वल होता, तो यहाँ पे ये कंडीशन हमारा फॉल्स होगा और ये लूप, ये जो ब्लॉक ऑफ कोड जो लूप में है ये चलना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। सपोज अभी मैं कंसोल कर लेता हूँ आई को, कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे हम आई को लॉग कर लेते हैं एंड यहाँ पे हमें एक इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट देना होगा ताकि ये लूप चलता रहे। तो सिंपली आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहली बार ये कोड चला, आई की वैल्यू हमारे पास कितने हैं 1 है। तो 1 इज लेस देन 11 जो कि ट्रू है, 11 से छोटा आता है 1। तो ये नेक्स्ट आएगा, ये कंसोल डॉट लॉग करेगा आई की वैल्यू क्या मिल गई इसे 1 एंड यहाँ पे आने के बाद इसमें ये क्या होगा आई प्लस प्लस, यानी कि अब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगेन ये चलेगा यहाँ पे लूप, यहाँ पे चेक करेगा आई की वैल्यू क्या है 2। तो 2 होने के बाद में फिर चेक करेगा कि ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं, ट्रू होगा तो अगेन ये कोड लूप के थ्रू चलेगा। इसको चेक कर लेते हैं हम। एंड यहाँ पे मैं कंसोल ओपन कर लेता हूँ। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास आई की वैल्यू 1 to 10 प्रिंट हो गई है। यदि आपको टेबल लिखना है तो वही आपको क्या करना होगा, जस्ट सिंपली यहाँ पे आई मल्टीप्लाई 2 कर देना होगा 2। अब हमारे पास 2 का टेबल आ जाएगा। ओके, सिंपली रिफ्रेश किया तो हमारे पास ये 2 का टेबल आ गया। ओके, चलिए इसको हम अरे के साथ में देख लेते हैं कि अरे से इसमें डेटा कैसे एक्सेस करेंगे, जैसे कि पहले वाले एग्जांपल में मैंने किया था। तो सिंपली एक वेरिएबल है अरे एंड आई जो है आई की वैल्यू यहाँ पर मैं 0 कर देता हूँ क्योंकि अरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है एंड यहाँ पे ये किससे लेस देन होना चाहिए। तो सिंपली अरे डॉट लेंथ, बेसिकली ये लेंथ क्या होता है, अरे डॉट लेंथ ये हमें बताता है कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, इस अरे में कितने एलिमेंट हैं। तो इस अरे में कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट है। देखिए जब भी हम लेंथ की बात करेंगे तो इसकी जो काउंटिंग होगी 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4। बट जब हम अरे की इंडेक्सिंग की बात करेंगे तब ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3। तो लेंथ इसका कितना हो गया, ये हमारा भरी ये जो है अरे डॉट लेंथ जो है वो 4 हो गया एंड हमारी जो इंडेक्सिंग कितने तक जाएगी, 3 तक। तो हमारा कंडीशन क्या बन गया, आई की जो वैल्यू होनी चाहिए वो लेस देन होनी चाहिए, तो ये 3 तक ही चलेगा। चूँकि जैसे ही यहाँ पर यह 4 होगा तो हमारा कंडीशन ये फॉल्स हो जाएगा कि 4 नॉट इक्वल नॉट लेस देन 4, इट्स इक्वल टू 4। ओके, तो
तो ये जैसे ही ये फोर होगा हमारा ये ब्लॉक ऑफ कोड चलना बंद हो जाएगा। चलिए इसको एक्सेस कर लेते हैं। तो सिंपली आपको पता है कि हम कैसे एक्सेस करते हैं, सिंपली कंसोल कर लेता हूँ कि हम अरे से डेटा को कैसे एक्सेस करते हैं। सिंपली अरे का नाम एंड स्क्वायर ब्रैकेट में उसकी इंडेक्सिंग लिखते हैं। तो इंडेक्सिंग हमारा यहाँ डायनेमिक है, कहाँ से आ रहा है, आई के थ्रू। एंड इसको रन कर लेते हैं, इसको जस्ट रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हो कि अरे में हमारे जितने डेटा थे वो सारे यहाँ पे आ गया है। ये इसका कोडिंग जो वर्क करने का प्रोसेस है वो क्या करता है कि पहले हमारा यहाँ पे चेक करता है कंडीशन एंड कोड को रन करता है जो भी ब्लॉक ऑफ कोड है, एंड फिर जो इंडेक्सिंग है उसको अपडेट करता है। सिमिलरली फॉर लूप में भी यही होता है। फॉर लूप में क्या होता है कि ये यहाँ पे आया जिसने कंडीशन को चेक किया, पहली बार में आएगा यहाँ पे, ये कंडीशन को चेक करेगा कि आई की जो वैल्यू है वो इससे छोटी है या फिर नहीं। ये ट्रू अगर रिटर्न करता है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा एंड इसको अपडेट करेगा। अपडेट करने के बाद में फिर ये चेक करेगा, यदि ये ट्रू होता है तो फिर से इसको रन करो। रन करने के बाद में फिर ये अपडेट होगा, फिर इसको चेक करेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी है कि पहले ये कंडीशन चेक करता है, कंडीशन ट्रू हुआ तो ब्लॉक ऑफ कोड रन हुआ एंड इंक्रीमेंट किया। सिमिलरली फॉर लूप में कंडीशन चेक किया, ब्लॉक ऑफ कोड रन किया एंड अगेन अपडेट किया। अपडेट करने के बाद फिर से कंडीशन चेक किया, ब्लॉक ऑफ कोड रन हुआ एंड अपडेट किया। सो आई होप कि आपको फॉर लूप एंड व्हाइल लूप समझ में आया होगा। अगर आपको व्हाइल लूप का कंसेप्ट समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।